तो हेलो दोस्तों, फिर से आपका स्वागत इस YouTube चैनल पर। दोस्तों, अगर आप मोबाइल फ़ोन का यूज़र हो तो आपने कभी नोटिस किया होगा कि आपके मोबाइल फ़ोन में एक सेटिंग है एक्सेसिबिलिटी का। दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि मोबाइल फ़ोन की एक्सेसिबिलिटी की ऐसी खुफिया सेटिंग के बारे में, जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और आपका मोबाइल फ़ोन में इस सेटिंग के बारे में आपको ज़रूर पता होना चाहिए। सबसे पहले दोस्तों, एक्सेसिबिलिटी सेटिंग को ओपन करने के लिए आपको मोबाइल फ़ोन की सेटिंग को ओपन करना होगा। तो दोस्तों, आप अपना मोबाइल फ़ोन की सेटिंग को ओपन कर लीजिएगा। और सेटिंग को ओपन करने के बाद आपको यहाँ पर नीचे आना है, और नीचे यहाँ पर दोस्तों एक सेटिंग मिलेगा आपको एडिशनल सेटिंग का। आप जैसे एडिशनल सेटिंग वाले ऑप्शन पर क्लिक करोगे और इस तरह करके स्क्रॉल डाउन करोगे तो नीचे आपको यहाँ पर एक्सेसिबिलिटी सेटिंग का ऑप्शन आता है। आपको दोस्तों यहाँ पर क्लिक करना है, और इसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपको ढेर सारा ऑप्शन आपको यहाँ पर दिया रहता है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको एक ऑप्शन आता है मैग्नीफिकेशन का। दोस्तों, आपको इस मैग्नीफिकेशन वाले ऑप्शन को आपको यहाँ से ऑन कर देना है। ऑन करने के बाद फ्रेंड्स, आपको बैक आना है। तो दोस्तों, बैक आने के बाद आप इस सेटिंग्स के माध्यम से किसी भी पार्ट को जूम कर सकते हो। तो जैसे जूम करने के लिए आपको बेसिकली डबल क्लिक करना होगा, और डबल क्लिक करते ही आपका मोबाइल फ़ोन यहाँ से जूम हो जाएगा। इसको और ज़्यादा जूम करने के लिए आपको जो है दोनों अंगुली से इसको जूम करना है, और देखिए यहाँ पर किस तरह से जो है यहाँ पर जूम हो चुका है, ठीक है। और इसको जूम आउट करने के लिए दोस्तों आपको जो है फिर से डबल क्लिक करना होगा। तो यहाँ से दोस्तों ये डबल क्लिक करते ही जूम आउट हो जाएंगे, ठीक है। तो दोस्तों, काफ़ी इंपॉर्टेंट सेटिंग है, आप अपना मोबाइल फ़ोन में इस सेटिंग को एक बार इनेबल जरूर करके देखिए। तो दोस्तों, अगला सेटिंग जो आता है एक्सेसिबिलिटी का, वो है कि टेक्स्ट टू स्पीच। अगर आप चाहते हैं किसी भी मैसेज को या किसी व्हाट्सएप का मैसेज जो है, या तो किसी भी गूगल का पेज ओपन है और आप चाहते हैं किसी भी जो है टेक्स्ट को कोई बोल करके आपको पढ़ के सुनाए, तो ये सब आप बहुत ही आसान तरीके से कर सकते हैं गूगल टेक्स्ट टू स्पीच की मदद से। टेक्स्ट टू स्पीच ओपन करने के लिए आपको फिर से वही सेटिंग को अपनाना होगा, सेटिंग में जाना होगा, और सेटिंग में जाने के बाद आपको जो है यहाँ पर फिर से एडिशनल सेटिंग वाले ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। और एक्सेसिबिलिटी सेटिंग को ओपन करने के बाद आपको यहाँ पर दोस्तों सेलेक्ट टू स्पीक का ऑप्शन आता है, आपको दोस्तों इसको जो है ऑन कर देना है। तो मेरे मोबाइल फ़ोन ये पहले से ऑन है। ऑन होने के बाद दोस्तों आपको यहां से जो सेटिंग में जाना है, यहां से आप अपना लैंग्वेज वगैरह को सेटिंग कर लेना है, जो भी आप लैंग्वेज जानते हो। इसके बाद दोस्तों आपको इस तरह करके बैक आना है, और बैक आने के बाद सपोर्ट दैट आप किसी मैसेज को जो है बोल करके पढ़ना चाहते हो, ठीक है। तो आपको अपना मैसेज को ओपन करना होगा, और मैसेज को ओपन करने के बाद फ्रेंड्स यहाँ पर जो किसी भी मैसेज को आपको यहाँ से ले लेना है, ठीक है। तो यहाँ से किसी भी मैसेज को लेने के बाद तो दोस्तों नीचे यहाँ पर दाएं कॉर्नर में सबसे नीचे यहाँ पर एक मैन का आइकन आएगा, और आपको जो है इसको यूज करने के लिए आपको मैन वाले आइकन पर एक बार क्लिक करना होगा। इसके बाद आपको जिस किसी भी मैसेज को पढ़ के सुनना चाहते हो तो उसको जो है आपको जो है यहाँ से क्लिक कर देना होगा, ठीक है। पहला जो अक्षर होता है उस पर आपको क्लिक करना होगा। मैं यहाँ पर क्लिक कर देता हूँ। तो दोस्तों, अगला एक्सेसिबिलिटी सेटिंग में जो हमारा ऑप्शन आता है वो है हाई कॉन्ट्रास्ट। दोस्तों, अगर आप अपना मोबाइल फ़ोन में एक ही फॉन्ट को बार बार देख करके बोर हो चुके हो तो आप जो है दोस्तों इस ऑप्शन को यूज कर सकते हो। इसमें दोस्तों आपका टेक्स्ट का जो है बॉर्डर लाइन एक तरह का हो जाता है काले रंग का, और आपका जो है टेक्स्ट को देखने में काफ़ी ज़्यादा मज़ा आता है। तो दोस्तों, इसको इनेबल करने के लिए फिर से आपको जो है सेटिंग में जाना होगा, एडिशनल सेटिंग में जाना होगा, और फिर से आपको एक्सेसिबिलिटी सेटिंग को ओपन करना होगा। और इसके बाद दोस्तों आपको नीचे यहाँ पर देखिए कहीं पर आपको लिखा हुआ रहेगा हाई कॉन्ट्रास्ट टेक्स्ट, ठीक है। तो आपको दोस्तों इसको जो है इनेबल कर देना है। इनेबल करने के बाद फ्रेंड्स देखिए आपका मोबाइल फ़ोन का जो फॉन्ट है वो सब जो है एक आउटलाइन का तरह हो गया, और आपको देखने में काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है। तो दोस्तों, आप इसका यूज भी आप अपना मोबाइल फ़ोन में कर सकते हो।